ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕੀਤੀਏ, ਅੱਛਾ 3 ਦਿਨ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 27 ਦਿਨ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਅੱਛਾ ਤੇ 6,000 ਪਾਉਂਡ ਹੋਏ ਹੋਏ ਚਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਸਕੇ ਬਲੌਗ ਲਈ। ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 27 ਦਿਨ ਮੁਸਲਸਲ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 27 ਦਿਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 27 ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਆਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕੁੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ 15-20 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕਰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਫੇਰ ਦੇ ਫੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਸਨ ਭਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕਿੰਨੇ ਛਾਪਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ? ਲਓ ਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1500-2000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਥੇ, ਤੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕਰਾ ਗਏ ਉਨਕੋ ਕਿ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੂੰ, ਤੋ ਮੈਂ ਜੋਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ, ਤੋ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਕੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਮੁਝੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਬ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਛਾਪਤੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹਨ। 1500-2000 ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਪਰ ਵੀਕ ਬਤਾ ਰਹੇ ਆਪ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਕਾ ਬਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੀ ਭਾਈ 2 ਲਗਾਤੇ ਹੈ, ਦਿਨ ਕਾ ਮਤਲਬ 2000, ਅਗਰ ਦਿਨ ਕਾ ਛਾਪਤੇ ਹੈ ਤੋ 2000 ਰਾਤ ਕਾ ਵੀ ਲਗਾ ਲੇ। ਘਰ ਹੀ ਕਭੀ ਕਭਾਰ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਕਹਤੇ ਘਰ ਅੱਛਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਯੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਇਨਸੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਯੇ ਜੋਨਸਨ ਕਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਇਨਕਾ ਟਾਇਰ। ਟਾਇਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਏ, ਕਹੀਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕੀਆ ਹੋ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਗਏ ਨਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨੀਅਤ ਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਜਬ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਨੀਅਤ ਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਨੀਅਤ ਸੇ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਪੇ ਆਤੇ ਹੈਂ, ਫਿਰ ਬਸ ਆਂਖ ਲੱਗ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਤੇ ਹੈਂ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ। बात तो ठीक है। आप कब से हैं यहाँ पे? कोई अपना स्टूडेंट है ना अभी? जी हम स्टूडेंट हैं। ऑडियंस को कोई बताएं कि अगर आपने मतलब आना हो यूके, क्या तरीका का आ रहा है तो क्या नहीं? तरीका क्या है? ये शादी करवा के आना चाहिए? नहीं, शादी करवा के आना चाहिए, बीवी को लेके आना चाहिए। जी, बीवी को भी लेके आए, फिर स्टडी क्या करनी है? नहीं, फिर आप शिफ्ट हो सकते हैं, फुल टाइम आप शिफ्टें लगाए हैं। नहीं मतलब अगर फर्ज करे ऑडियंस आपको सुन रही है, मतलब बड़े स्टूडेंट है बेचारे, तरले कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया से। आप इंडिया से? नहीं, पाकिस्तान। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये है कि अगर आना हो किसी ने तो थोड़ी सी रहनुमाई करें लोगों की, बेचारे कड़ी तरले कर रहे हैं। मैं तो वर्क परमिट पे आया। अच्छा, स्टडी पे आना तो भाई। नहीं मतलब करना क्या होता है, मैं फर्ज करो मैंने अगर किसी को बुलाना हो तो वर्क के लिए क्या करना होता है? आर्ट्स चाहिए होता है, मिनिमम 4.5। अच्छा, तो कितना खर्चा हो जाता है आर्ट्स पे? 19-20 करने के बाद स्टडी भी चाहिए होती, कितनी स्टडी हो तो फिर आइट्स कर, मतलब 8वीं पढ़ा भी आइट्स कर लेगा तो आ जाएगा 4.5 मिनिमम चाहिए। अच्छा, इतना कार्ड लेता है। उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है? उसके बाद ये कि पासपोर्ट वगैरह आपने जमा कराना है, टीबी टेस्ट होता है, बाकी चीजें। तो ये तो मेरे ख्याल से वो पहले इधर से यूनिवर्सिटी से अप्लाई करने के बाद नहीं होता? नहीं नहीं, आप वर्क परमिट की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का तो वर्क वाले पास है, मैं स्टडी का पूछ रहा हूं। वर्क वाले आपको आईएस बनाए भी ना भी हो तो आपको ऑक्सफोर्ड का या कोई और लैंग्वेज सर्टिफिकेट करके आ सकते हैं। अच्छा, कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आपको वो भी अलाउ करती है, यानी कि आपने आईएलटीएस करना है फिर वही वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे भेजना है। जी जी, तो उन्होंने फिर आपको अलाउ करना है। टोटल कितना खर्चा आपका हुआ या हो जाता है? ये होता है अगर आप यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटी होती है आपके 2000 पाउंड आपको इनिशियल डिपॉजिट होता है। अच्छा, कोई यूनिवर्सिटी आपको 7000 इनिशियल लेती है। अच्छा, तो कोई यूनिवर्सिटी कहती है की हाफ जोन से आके आपने इनरोलमेंट के टाइम करना होता है। ठीक हो गया। तो कितना आपने मतलब खर्चा किया अभी तक? तो मिनिमम आपका लग जाता है तकरीबन, जो यूके पहुंच जाता है तकरीबन 6-7 हज़ार पाउंड तो मिनिमम लग जाता है। फीस तो टिकट शिकट मिला के आपके तकरीबन इतना 6-7 हज़ार पाउंड तो आपका मिनिमम लगना ही लगना।
इट डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी, अगर फिर आप यूनिवर्सिटी कौन सी है, एक्सपेंसिव भी जा रही है कौन सी भी जाओगे, अकोमोडेशन के पहले मंथ में आपको 1000 पाउंड लग जाना है आपका, 600 पाउंड मिनिमम तो लगना ही है, तो ये खाने का चेक लगा के जो मिनिमम तो आपको 7000 तो मिनिमम आपका लग ही जाना है आपके। समझ लो टोटल आपने 9000 का मार्जिन रख के दिमाग में आना कि अगर आपने स्टूडेंट वीजे पे आना और यहाँ पे आके जो खर्चा होना वो सेपरेट है या वो बीच में डाल के, यानी पहले मंथ का डाल के आपके 9000 आपका लगने लगे, आगे का सर्वाइव आपने खुद ही करना है, फिर आगे जॉब ढूंढने है पार्ट टाइम, जिस तरह अलाउ होता है जॉब स्टडी वीजे पे 20 आवर अलाउ होते हैं वो एनआई वीक में। अच्छा, तो आप बेहतर आते सारी कोई एनआई पे अप्लाई करें, दो दिन आपको मिलेंगे, कोई 8 आवर देता है एक दिन में, कोई इकट्ठे दे देता है 10 आवर दे देता है आपको, 10 आवर दे देगा 20 आवर्स, तो आपने एनआई पे रखे 20 आवर्स तो आगे आपके 700 कोई 800 बन जाता है आपका पर मंथ, ठीक हो गया। हाँ जी पब्लिक, ये वो बंदा है जिसका आगे इंटरव्यू लिया गया जी, अपने बारे में कोई करामात अपने बताएं, मतलब 4000 मंथली आप कैसे कमा लेते हैं? हमें तो जो मिलती हैं वो भी, वो पता नहीं कौन कैंसिल, गाइस ये जो मनुसत वाला साहब देख रहे हैं इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कौन बगैरतियाँ करता है जी। अपने बारे में कुछ से प्लान इंट्रोड्यूस करवाए, एक साल के अंदर आपने कितना रुपया छापा होगा पाकिस्तानी, क्या कितना पाउंड कमाया होगा एक साल, कितने मंथ आपने बोला होगा? एक साल दो माह, ठीक हो गया। बस ये कोई करोड़ का सीधा किया होगा, सीधा किसे बिस्तरे पे सीधा किया उसको? नहीं हाँ वो अच्छा जो उल्टे लेट के सीधा किया। नहीं वो तो ठीक है, जो आपने 1 करोड़ कमाया है एक साल में, ठीक है, तो वो सारा लग चुका हुआ है या वो सेविंग पे है या वो क्या है? वो सारे एक करोड़ अगर आपने कमाया फर्ज करो, ठीक है, उसमें सेव कितना किया और लग कितना गया, मतलब जहरी बात है अगर फर्ज करो आप 4000 मंथली कमाते हो आपके बकोल, ठीक है, अस्तगफुर साथ ये कह दो झूठे पे जरा कह ना थोड़ा सा अपने साल में 2 महीने बता कमा लेता हूं 4000। हां ओके हो गया, अच्छा बाकी 3900 पे बात जाती है। पब्लिक चेक कर रहे हो बंदा 4000 से कॉल कमाता है। अच्छा जी, अच्छा तो कितने लग चुके हैं और कितने, मतलब आपने अगर साल कमाया है तो उसका आपको क्या रिगार्ड मिला कि वीजा बस चेंज किया या फैमिली वीजा सिक्योर हुआ है और कुछ भी नहीं जोड़ा कुछ नहीं? तो वो जो आप अमेज़न का बोल रहे थे साथ में कुछ साल तक, वो अभी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, 40 करोड़ को तो ये कुछ समझ ही नहीं है ना, मतलब आस पास से नहीं लग रहा है भाई, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बेहतरीन किस्म का रिवॉर्ड देंगे। किसको? पब्लिक को? मुझे लाजमी बताइएगा, मैं थोड़ा सा कैप्चर करना चाहता हूँ। अमेज़न कंपनी, हाँ। अच्छा जी, आपको अपने बारे में कोई? जेफ बेज़ोस को हमने जो सारा ट्रेड में ये बंदा देना है और उससे कंपनी लेनी है। मेरे से भी रابطہ कर सकते हैं, आप लोगों को इंट्रोड्यूस मैं करवा दूंगा। बाकी वीजों के बारे में थोड़ी सी वीडियो डाली थी तो लोग पीछे पड़ गए काफ़ी कि हमें वीज़ा, तो वीज़ा मिलेगा ज़रूर, जो जैसी अपडेट आएगी ना वीज़ों के बारे में आपको ब्लॉग में बता दूंगा कि हाँ जी वीज़े अवेलेबल है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बता दें। शिफ्टें जिस तरह करनी होती हैं वैसे ही करते हैं क्या, मतलब कोई दूसरा तरीका भी? यार वो तो फिर हर शिफ्ट में रेस्ट होती है यार, क्या मतलब आप क्या चाह रहे हो? आप एक शिफ्ट में दूसरी किस तरह आपने असर करनी है, उसको कैसे करना है, ठीक है? ये क्या कहना चाह रहा है ये बंदा? ये कहना चाह रहा है कि दूसरे की कैंसिल करा के अपनी कैसे उसके हक पे कैसे, मतलब ये डालना है? नहीं मतलब ये अपना गड़ा खुद ही खोद रहा है ये बंदा। एग्जैक्टली, ठीक है पब्लिक भाई, उसने इंटरेक्टली तुम्हें बता दिए, बस वो बाज आ जाओ, वो तुम्हें बार बार कह रहा है, वो कह रहा है जो थोड़े बहुत है ना मैंने वो भी उखाड़ के फेंक दे उससे बाज आ जाओ, पहले बता रहा हूँ ना, बार बार तंज करो उसका निशाना, इस टाइम तुम हो मैं नहीं हूँ। पब्लिक मेरा ये दोस्त है, इसको मैंने आज बिरयानी भी खिलाई है, ये मेरा बहुत अच्छा भाई है, आइंदा के पास इसके साथ तुम्हारी लड़ाई है ही नहीं। इस जैसा मैंने बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड देखे हैं जो हमारे अंडर भी काम करते हैं सारे सूर, यार ये बंदा जो कमाल, यार ये बंदा इस तरह का नहीं किसी ने भी मेरा देखना है,
पता नहीं इसने छुट्टी क्यों करनी हमारी। चले अल्लाह खैर करे, आ ही जाएगी। शिफ्टें भी आती रहती हैं जाती रहती हैं। इन भाई के साथ हमारी कल की शिफ्ट है 16.5 घंटे की। हमसे ज्यादा ये भाई कुछ शिफ्ट 16, हाँ भाई लोगों को पता ही है 16.5 घंटे की 16। गाइस ये बंदा 16 घंटे की शिफ्ट करके ये कहता है यार मैं थक जाता हूँ, अगली शिफ्ट पे फिर चले जाता है ये बंदा, ठीक है। और मैंने अभी कल 16 घंटे की 16.5 घंटे की शिफ्ट करनी है, लेट्स सी कैसा गुजरता कल का दिन। पब्लिक मेरा ये दोस्त है, इसको मैंने आज बिरयानी भी खिलाई है, ये मेरा बहुत अच्छा भाई है। आइंदा के पास इसके साथ हमारी लड़ाई है ही नहीं। इस जैसा मैंने बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड देखे हैं जो हमारे अंडर भी काम करते हैं, सारे सूर यार ये बंदा जो कमाल यार ये बंदा इस तरह का नहीं किसी ने भी मेरा देखना है। पता नहीं इसने छुट्टी क्यों करनी हमारी। चले